दोस्तों 3 तारीख को यानी कि 3 अप्रैल से एक एक्सरसाइज शुरू होने वाला है, वो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन पिछले वीडियो जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गैर साक्षरों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना। आइए हम लोग अपने टॉपिक चलते हैं, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज 2023। देखिए, वार्षिक भारतीय नौसेना और उधर से श्रीलंका नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 10वां संस्करण 3 अप्रैल से कोलंबो में आयोजित करेगा। अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और उसके बाद फिर समुद्री चरण। भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है वो करेंगे INS किल्टन और INS सावित्री, जबकि श्रीलंका की नौसेना में SLNS विजयबाहु और SLNS समुद्रा करेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ साथ श्रीलंका वायुसेना के डोर्नियर और BEL 412 हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विशेष बल भी एक साथ भाग लेंगे। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य का। स्लाइनेक्स 2023 का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। बंदरगाह चरण में खेल कार्यक्रम, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे, जो दोनों नौसेनाओं के कर्मियों को एक दूसरे से सीखने और साझा मूल्यों को फिर से लागू करने के साथ साथ दोस्ती और भाईचारे के बंधन बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। वहीं वार्षिक समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच गहरे जुड़ाव का उदाहरण है, जिसने समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत किया है। भारत की पड़ोसी पहले की नीति और माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी कि सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप हाल के वर्षों में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बातचीत में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। बंदरगाह चरण के दौरान दोनों भारतीय नौसेना जहाज़ों को स्कूली बच्चों सहित आगंतुकों के लिए खोला जाएगा। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से एक समन्वित भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना बैंड प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। समुद्री चरण में बहुआयामी अभ्यास शामिल होंगे, जैसे सतह और हवा विरोधी फायरिंग अभ्यास, नाविक मूल्यांकन, हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमान संचालन, फिर और अग्रिम सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव और समुद्र में विशेष बल संचालन। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्लाइनेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका या श्रीलंका और चीन। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।